छुप के अपनी तारीफ सुन रहा था, तारुफ भी सुन रहा था जी। वो आखिर के दो लाइनें क्या थी? कौन सी वाली? कि और भी उन्होंने बहुत कुछ किया है जिसका हमें पता नहीं। मैंने कहा इतने सारे काम तो हमेशा साथ लेके चला हूं, तुम्हें तो पता होना चाहिए। अब सर आप टीवी पे सारे पर्दे खोल रहे हैं। भाई एक पर्दा खोल दिया, बाकी पर्दे मैं खोल देता हूं। शेखर जी बहुत दिनों से आपका इंतजार था और लोग मुझे हमेशा एक बात बोलते थे, कहते तू अपने एपिसोड में बड़ा बोलता है, बड़ा बोलता है, आज तुझे पता चलेगा, आज तुझे चुप कराने वाले आए। मुझे अपनी नजर है खुदा चाहिए, कुछ और नहीं इसके सिवा चाहिए। वाह, एक दिन तुझसे आके मिलूंगा जरूर जी। वाह, जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। वाह, और इस जमाने ने सबको समझा दिया तुमको आंखें नहीं आईना चाहिए। वाह, और तुमसे मेरी कोई दुश्मनी तो नहीं, तो सामने से हटो, रास्ता चाहिए। नहीं है, कितनी गलत बात है पाजी, आपको भी मालूम है कि मुझे चुप्पी पसंद है, खामोशी पसंद है, मौन पसंद है, एकांत पसंद है, एकाकीपन पसंद है, अकेलापन पसंद है। मैं कभी बोलना पसंद नहीं करता हूं, हमेशा चुप रहना पसंद करता हूं। ये लोगों ने, ये बेबुनियाद निराधार बात है, ये लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि मैं बोलता हूं। आपने कभी मुझे बोलता दे, मैं कभी नहीं बोलता। और बोलने में क्या रखा है, जो बातें दिल से समझाई जा सकती हैं, जो बातें नजरों से समझाई जा सकती हैं, क्योंकि नजरों की भी अपनी एक भाषा होती है, दिल की भी अपनी एक भाषा होती है। And let me tell you that if you don't understand my silence, if you don't understand my silence, you will never understand my words. Zaban to hai, wo ek baar khul jaye, log bolte hi chale jayenge, bolte jayenge, uska koi matlab nahi. Isliye nazar ki bhasha ko samajhna bahut zaruri hai. Aur waise bhi everybody knows and Paji knows especially that I'm a man of few words. It's just very unfortunate that it takes me a couple of hours to tell people that I'm a man of few words. अच्छा सिद्धू भाई देखो, मतलब कितना अच्छा लगता है, बातों बातों में वक्त का पता नहीं चला, 6 घंटे हो गए। लोगों ने ऐसे बातें बनाई, शेखर जी बड़ा बोलते, कहाँ बोलते, कहाँ बोलते, तूने झूठ बोला। हाँ, ये मौन कर सकते हैं, मौन हो नहीं सकते। शेखर जी, हाँ जी, आपने लाइफ में इतना कुछ किया, आपने अपना करियर शुरू किया है बतौर एक्टर, उसके बाद आपने कितने सारे रियलिटी शोज जो हैं उनको होस्ट भी किया, उनके जज भी रहे, फिर आपने जी जी मैंने मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बताना क्या पाजी और हम याद है सिद्धू पाजी और शेखर जी, उस शो जिस शो से मैंने अपने करियर की शुरुआत की, तो एंड दैट्स द ओनली टाइम व्हेन कपिल शर्मा हैड क्राइड, ओनली टाइम। और वो खुशी के आंसू थे, वो जीत के आंसू, वो जीत के नहीं सर, मैंने 10 लाख रुपए इकट्ठा देखा था पहली बार। नहीं, मैं इसलिए रोया था सर, 10 लाख का इनाम था, जब काट के हाथ में आया 96। तो गरीब आदमी को पहली बार पैसे दे रहे हो, वो भी टीडीएस काट लिए, गवर्नमेंट ने क्या यार। मतलब जब गरीब थे तब तो गवर्नमेंट ने हमारी गरीबी बांटी नहीं, भाई अपना 10% हमें दे, अमीर क्यों बांटे, अमीर तो पैसे क्यों बांट लिए। भाई कहने का तात्पर्य ये है, हीरा भी कोयले की कान में होता है, लेकिन कोई जौहरी चाहिए हीरा परखने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मुझे समझ नहीं आया कि ये तारीफ मेरी हो रही कि दोनों जज बहाने से अपनी तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे जा रहे हैं। मैं तो चुप रहता, खामोश रहता, उन्होंने तारीफ कर दी। शेखर जी, आपने जब शुरुआत की बतौर एक्टर, उसके बाद आपने कई सारे शोज होस्ट किए, जज किए, अभी फिल्म बनाई है आपने, सारे काम आप ही करेंगे, किसी और के लिए कुछ नहीं छोड़ना। अरे शेखर जी, कोई ऐसी चीज जो आपको लगता है कि रह गई हो अभी करनी है बाकी? दूसरी शादी। हमारे चचा कहा करते थे जी कि हर इंसान को शादी करनी चाहिए, शादी के बाद निकली, क्योंकि मर्द जब मर के नरक पहुंचे जी तो नरक उसे अनजान सी जगह न लगे। शेखर सर के बारे में एक चीज बड़ी फेमस है कि इनका दिल बहुत बड़ा है, मतलब इतना बड़ा दिल है कि एक बार में 34-35 लड़कियां तो समाई जाती हैं। अभी इससे पहले कि कपिल कुछ कहे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग फिल्में देखते हैं और उसको 2 मिनट में डिसमिस कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं, ये बकवास फिल्म है, नॉट नोइंग दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड पेन टू मेक अ फिल्म। अच्छा, आप फिल्म बना लेते हैं वो एक युद्ध के समान है, मार्केटिंग करना एक महायुद्ध है, इट्स लाइक अ वर्ल्ड वॉर। और मार्केटिंग में आप लोगों का कहना है कि जिस तरह बॉम्बे में सीलिंग का एक टोल है जहां से होकर ही गाड़ी को गुजरनी है, हाँ। उसी तरह से मार्केटिंग में कपिल शर्मा से होकर ही आपको गुजरना है, तब आपकी गाड़ी को गुजरना है।